हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल सेंटर। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस रूल को अच्छी तरह पढ़ना है या जानना है इसके बारे में कुछ, तो वीडियो पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक, जिससे आपको पूरी तरह जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने हेडिंग डाली उसको पढ़ लीजिए। कुछ प्रश्नवाचक शब्दों के महत्वपूर्ण नियम, जैसे कौन है, कौन सी हो गया, किसकी हो गया और किस हो गया। कौन सी और किस ये एक ही चीज़ है, अभी आपको बताएंगे। पहले धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले कौन है, तो कौन के लिए रूल है हु प्लस ये ए और डॉट फिर एच वी। एच वी का मतलब तो आपको पता होगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ए का मतलब ये है कि अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब। अभी आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण तो अभी लेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जो कौन शब्द होता है वो कौन शब्द पूरी तरह सब्जेक्ट का रूप ले लेता है जब सेंटेंस में आता है। तो ये एक तरीके से सब्जेक्ट का ही काम करता है और आता है प्रश्नवाचक के रूप में और सब्जेक्ट का काम करता है। तो कौन शब्द सब्जेक्ट के रूप में आए, तो उसमें चलिए अभी बताते हैं आपको कौन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आएगा। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा इसमें। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो जैसे तुम हो तो कौन ही होगी हु। अब जो आपने रूल पढ़ा है, ये पहली बात आप ये देखिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने जो अफर्मेटिव का रूल पढ़ा है और अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसमें बिल्कुल वही रूल लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो बस उस सब्जेक्ट की जगह आपको हु कर देना है, उसके बाद आपका पूरा पूरा रूल यही रहेगा। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु अब पढ़ाना की हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पढ़ाना की होगी टीच। अब आपको मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि यस या यस कब लगता है, तो आपने शायद एक रूल पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि सी एच यच कुछ इसी तरह था जिसमें यस या यस लगता था। तो सी एच आर यहाँ पर लग जाएगा ई एस। तो हु टेस्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू इंग्लिश, ये सर हु टेस्ट यू इंग्लिश। इसमें आपको डू या डज नहीं लगाना है। अगर आप डू या डज लगा दें तो आपका सेंटेंस जाएगा। अगर यदि आप सोचें कि हम ये बना दें हु डू यू टीच इंग्लिश, तो ये आपका हो जाएगा गलत, ये आपका नहीं होगा। आपका होगा ये हु टीच यू इंग्लिश। जिस मान लीजिए जैसे राम अंग्रेजी पढ़ाता है, तो राम टीच इंग्लिश, राम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, तो राम टीच यू इंग्लिश। इसी तरह तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीच यू इंग्लिश, इस तरीके से। जैसे आगे है मेरा दूध किसने पिया, तो ये आपका देखिए आपका सेंटेंस कौन सा है, तो ये आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यस या यस ऑब्जेक्ट अदर, यस या सॉरी सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सब्जेक्ट प्लस यस या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इस तरह होता है। तो जो हमने ये लिखा है ए एच वी, तो अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये है अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे ये है मेरा दूध किसने पिया, तो आपको बता दें ये देखिए कौन और किसने अगर आ रहा तो उसका मतलब हु ही होगा, तो किसने की हो जाएगी हु। उसके बाद पीना की ड्रंक की सेकंड फॉर्म ड्रंक, हु ड्रंक, मेरा दूध किसने पिया, तो हु ड्रंक माई मिल्क, इस तरीके से बनेगा। तो हमने आपको बताया कि जैसे इसमें था कि राम अंग्रेजी पढ़ाता है, तो राम टी से इंग्लिश, इसी तरह इसमें है
मेरा दूध किसने पिया, तो इसमें हो जाएगा हु ड्रैंक माई मिल्क। अगर यहाँ पर होता मेरा दूध किसको लीजिए, मेरा दूध मोहन ने पिया, तो मोहन ड्रैंक माई मिल्क, इस तरह बनता। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो ये होता है हु आपका पूरी तरीके से सब्जेक्ट का रूप होता है, तो इस तरह ये हो जाता है। उसके बाद ये ठीक है, इस तरह हो जाता है मेरा दूध किसने पिया, तो हु ड्रैंक माई मिल्क। आगे सेंटेंस देखते हैं, जैसे ये फ्यूचर कौन फ्यूचर परफेक्ट है, इन बच्चों को कौन बुलाएगा, तो हु। उसके बाद अफर्मेटिव हेल्पिंग लिखा है आपका, अफर्मेटिव हेल्पिंग, तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग होती है वो होती है विल, तो हु विल कॉल इन बच्चों, बहुत सारे बच्चे, तो दीज चिल्ड्रेन, हु विल कॉल दीज चिल्ड्रेन, इस तरह बनेगा। जैसे मान लीजिए इसमें होता कि इन बच्चों को वह बुलाएगा, तो ही विल कॉल दीज चिल्ड्रेन, हो जाता कि ना हो जाता, तो इस तरह ये होते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सब्जेक्ट का रूप ले लेते हैं, मैं आपको बार बता रहा हूँ, आपको इन ये रूल बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इन बच्चों को कौन बुलाएगा, तो हु विल कॉल दी चिल्ड्रेन, इनमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए आगे देखते हैं, कक्षा में कौन रो रहा था, तो हु। अब इसमें जो उसका रूल होता है फ्यूचर पास्ट कॉन्टिन्यूस का, सब्जेक्ट प्लस वाज एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, तो इसी तरह हु प्लस प्लस नहीं हु प्लस वाज एवर होता है, तो हु वाज उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हु वाज वीपिंग इन द क्लास, तो हु वाज वीपिंग इन द क्लास। कक्षा में कौन रो रहा था, तो हु वाज वीपिंग इन द क्लास, इस तरह सारे सेंटेंस, इस तरह सेंटेंस को आगे देखते हैं। उसे 2 वर्षों से कौन पढ़ा रहा था, ये आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसको देखते हैं। तो हु, अब उसकी हेल्पिंग होती हैड बीन, हु हैड बीन पढ़ा रहा था, तो टीचिंग, हु हैड बीन टीचिंग हिम, अब 2 वर्षों से, तो फॉर 2 ईयर्स, तो हु हैड बीन टीचिंग हिम, या हर कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि लड़का है लड़की, तो हु हैड बीन टीचिंग हिम या हर फॉर 2 ईयर्स, इस तरह ये हो जाता है। तो आपको हु वाले सेंटेंस बता दिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हु वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे देखते हैं, आगे कुछ नियम और हैं, देख लीजिए। जैसे है रूल है कौन सी या किस, मतलब कि विच, दोनों को मतलब विच है। अब ये हु जब ने इसलिए लिखा था क्योंकि अभी आगे आपको रूल बताएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी वाला रूल, विच। अब बता दें कि यदि कौन सी इसके साथ कोई नाउन आ रहा है, नाउन कोई भी आ रहा है, पुस्तक कुछ भी, अभी बताएंगे आपको, कोई भी नाउन आ रहा है तो आपको उसको साथ लेकर लिखना होगा। तो मैं आपको अभी रूल बताऊंगा, तो जैसे है विच या हुज प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस जो सारे 12 सेंटेंसेस आपको बताएं उनका जो नियम होता है, तो इस तरह से। जैसे है उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, ये आपका है प्रेजेंट इनडेफिनिट, तो जैसे कौन सी, तो कौन सी होगी विच, विच अब कौन सी पुस्तक, ये साथ में आती है आपका नाउन से, विच या हुज प्लस नाउन, तो आप ये साथ में आएगा विच बुक्स। उसके बाद जो आपका इंटरोगेटिव का नियम होता है पूरा वही है, तो विच बुक्स, इसमें आप डू या जो भी होता है वो सब लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई वो नहीं है। तो विच बुक डज, इस तरह जैसे उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, तो विच बुक डज हिज सिस्टर रीड,
इस तरीके से। उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, तो विच बुक्स, सॉरी यहाँ बुक होगा, विच बुक डज हिज सिस्टर रीड। इस तरह आगे है, जैसे वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं, तो किस मतलब कि आपके विच है, तो विच विच, अब वे तो आ जाएगा आर, नहीं पहले विच, उसके बाद ये आपका जो नाउन है, तो विच हॉर्स आर दे बाइंग। इस तरीके से तो मैंने आपको जो नियम लिखाया है, विच या हुज प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, आपका बिल्कुल इसी नियम के अनुसार ही बनेगा, तो आपको कोई संदेह नहीं रहना चाहिए इन सेंटेंसेस में। तो चलिए आगे देखते हैं, जैसे पहले आपको ये बता दें फिर से, वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं, तो विच हॉर्स आर दे बाइंग। आगे देखते हैं, तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो विच बुक। अब ये आपका पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो विच बुक हैव यू बीन, विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस, अब कल शाम एक निश्चित टाइम है, तो अब आप इसमें जैसे विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग, तो आप पूछेंगे कि यहाँ पर लास्ट क्यों लगाया, तो कल शाम मतलब कि पिछली शाम होगी, तभी तो मतलब कि जो आज के पहले जो मान लीजिए शाम है, दोपहर या सुबह है, तो पिछली तो होगी, इसलिए आप लास्ट लगा सकते हैं। तो सिंस लास्ट इवनिंग, विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग। अगर जैसे किसका या किसकी या किसका, तो आपको बताया है कि चलिए यहाँ देखते हैं, किसका है किसकी की अंग्रेजी होती है हुज, तो नियम आपको ऊपर वाला ही रहेगा, तो हुज किसका पत्र, तो हुज लेटर आर यू राइटिंग। इस तरीके से हुज लेटर आर यू राइटिंग। आगे देखते हैं, तुम किसकी बहन हो, तो हुज सिस्टर आर यू, हु सिस्टर आर यू, इस तरह तुम किसकी बहन हो, तो हु सिस्टर आर यू, इस तरह ये सारे सेंटेंसेस हो जाते हैं। तो आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, ये मैंने कुछ यहाँ पर नियम लिखे थे, ये और ये, सबसे पहले कुछ प्रश्नवाचक शब्दों का महत्वपूर्ण नियम, आप ये प्रश्नवाचक शब्द देख लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड ने लिखा, उसके बाद ये कौन, मैंने बता दिया था कौन, अगर आ रहा हुआ रहा तो वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा, पूरी तरह हु आपका सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, जैसे कोई राम है, वह है, तुम हो, तो उसकी पूरी जगह आपका हु लेगा, और पूरा अफर्मेटिव रूल ही बनेगा हु में, आपको इंटरोगेटिव रूल नहीं बनाना है, मैंने आपको बता दिया, बार बार बता भी रहा हूँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर कोई इंटरोगेटिव रूल नहीं लगेगा, कि अगर पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू या डज लगा दें, आपको नहीं लगेगा, आपका बिल्कुल यस या यस मतलब कि अफर्मेटिव रूल ही लगेगा। आगे ये कौन सी विच या है, ये विच कौन या किस है, तो किसकी या किसका हुज हो जाएगा, इस तरह सारे सेंटेंस हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि आपको ये पूरी तरह की समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक था, मैंने सोचा पहले इसी को बता देते हैं, तो अच्छा टॉपिक था, तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो धन्यवाद।